जिसको देखना आता है, जिसकी नजर सही है, उसको 100 लोगों की जरूरत नहीं है प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए। उसके लिए एक ही काफी है, खुद को देखना है। तो कितने शीशे चाहिए खुद को देखने के लिए कि मैं ये हूं? एक काफी है या 1000 चाहिए? जिसको नहीं देखना आता है उसको आप 1000 शीशे भी दिखा दो, नहीं देख पाएगा खुद को। जैसे कुछ जानवर होते हैं, कुछ आप इनको देखोगे, कुछ पंछियों को देखोगे, चिड़िया उड़िया क्या करती है, जब शीशा उसके सामने आता है ना, चोंच मारने लग जाती है, क्योंकि उसको देखना नहीं आता है। उसको लग रहा है अंदर कोई और है, उसको ये नहीं पता है वो खुद ही है। तो उसके आगे अगर आप 1000 शीशे भी ले जा करके रख दोगे तब भी वो यही करेगी। जिसको देखना आता है, हम लोगों को इतना तो देखना आता है कि शीशे में देखा, अरे मैं ही हूं। कितने शीशे चाहिए? एक ही काफी है। ऐसे ही जिसको समझ है कि प्यार क्या है, जिसने एक्सपीरियंस किया है प्यार को, उसको 1000 की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। लाइट रेनबो को देख रही है, रेनबो के अलग अलग रंग देख रही है, उन्हीं रंगों में से एक लाल है, एक नीला है, एक पीला है, ये है। तो कैसे देख रही है? ये भी मैं हूं और वो भी मैं हूं, सिर्फ मैं ही मैं हूं। ये ईगो वाली स्टेटमेंट नहीं है, ईगो में फर्क को समझ लेना। मैं तुझसे अलग, ये ईगो है, मैं ही मैं हूं। जितने रंग है वो सारे मैं हूं, जहां रंग है वो मैं हूं, सारे रंग लाइट ही नहीं। तो प्यार क्या है? खुद को जान लेना प्यार है, जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ। जब आप देख लेते हो आई एम दैट लाइट, और उसी लाइट में सब कुछ हो रहा है, वो वाली लाइट नहीं जो लाइट अब आप सोच रहे हो, आप कहीं और चले गए हो, मैं कहीं और हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लाइट विच इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ऐसा भी कुछ है यहां पर इस दुनिया में, ऐसा भी एक मटीरियल है जो सब में है, उसी में सब कुछ हो रहा है, जो इस बॉडी के अंदर से देख रहा है और जो इस बॉडी के अंदर से देख रहा है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। बिल्कुल ऐसे देख सकते हो कि दो कैमरा आमने सामने रखे हुए हैं, इधर एक कैमरा है, इधर एक कैमरा है, और जो देखने वाला है वो हर जगह है, स्पेस की तरह, जैसे स्पेस हर जगह है। तो यहां से जो देख रहा है और यहां से जो देख रही है, लग रहा है कि मैं ये हूं, क्योंकि फीमेल कैमरा है, ये मेल कैमरा है, कैमरा मेल और फीमेल है, देखने वाला, सुनने वाला, फील करने वाला, एक्सपीरियंस करने वाला, वो मेल फीमेल नहीं, वो एक ही है। तो मैं खुद से ही मिल रहा, इस मिलने को प्यार कहते हैं। अगर इस तरह से एक्चुअल में आप मिलो तो, अभी एकदम से नहीं होता है। नाउ व्हाट यू वांट इज, की सारी बातें सुनी, एकदम से गए और इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि सड़क पे कोई लड़की दिखी, उसको जा करके बोलना शुरू कर दिया, चल ट्राई करके देखता हूं जो बंदे ने बात करी, तू भी मैं हूं, मैं भी मैं हूं। थप्पड़ भी मैं हूं, गाल भी मैं हूं, सब मैं हूं। बहुत पिटाई होती है ऐसे बंदों, पहले प्रॉपरली समझना फिर आगे कुछ करना। एक तरफ तू ही तू है, दूसरी तरफ मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। तो किसने किसको गाली दी, किसने किसको डांटा, किसने किसको मारा, किसने किसकी बेइज्जती करी, किसने किसकी झंड करी, कहां है ये सब? कहीं भी नहीं है। जैसे आपके जो दांत है, अगर वो आपकी जीभ को काट दे, क्या करते हो? तोड़ते हो अपने दांतों को? एनीबॉडी किसने तोड़ा आज तक? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरी जीभ को कैसे काट? लड़ते हो अपने दांतों से? तोड़ना चाहिए ना, गलती करी ना आपके दांतों ने, पनिश करो ना उनको, उनको रियलाइज कराओ ना, जब तक वो दांत सॉरी ना बोल दे। आया समझ में किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है, दांत के जीभ की बात नहीं हो रही है। टॉर्चर करो ना उस दांत का। नहीं जी, क्यों? क्योंकि दांत भी मैं हूं, जीभ भी मैं हूं, ये होता है मैं ही मैं हूं। वहां पे अलग होने में भी प्यार होता है। अब ये नहीं समझ आएगा, अलग होना प्यार कैसे हो सकता है? क्या तलाक प्यार है? अलग हो जाए, ब्रेकअप कर दे, क्या ब्रेकअप प्यार है? हाँ, ब्रेकअप प्यार है। कैसे? अगर मान लो आपकी बॉडी है, इसमें आपका बॉडी का कोई पार्ट है, यहाँ पे कोई चोट लगी, सड़ गया ये वाला जो पार्ट है, और डॉक्टर कह रहे हैं इसको काटना पड़ेगा, इस हाथ को नहीं काटोगे तो पूरे बॉडी में जहर फैल जाएगा, क्या करोगे?
काटोगे या नहीं काटोगे? बट क्या नफरत से काटोगे? नफरत से उसको अलग नहीं कर रहे, प्यार से अलग कर रहे। कई बार प्यार में अलग होना ही प्यार होता है। बच के रहना इश्क से, तेरा सब कुछ मिटा देगा। तू तो चीज क्या है, ये तेरी राख तक को जला देगा।